नमस्कार जी, सत श्री अकाल। बहुत स्वागत है आप सब का तुहाडे सितारे प्रोग्राम विच। आपां सितारियां दी गल करांगे ते अज दे दिन नूं होर ज्यादा अच्छा बनाने लई सितारियां द्वारा ही छोटे छोटे उपाय करके पॉजिटिविटी लैण दी कोशिश करांगे ते दिन बेहतर जरूर बना सकदे हां अगर असीं कोशिश करिए। तां खास तौर ते सकारात्मक ऊर्जा जो साडे अंदर ही हुंदी है ते असीं उस नूं अपने आले दुआले दा ऑरा सही कर लैणा है, अपने सितारियां नूं सही करके। अज हो गई जी 11 सितंबर 2020 दिन है, शुक्रवार दा। तिथि की गल की जाए तो जो नौवीं तिथि है, नौवीं तिथि का श्राद्ध है अज ते 27 भादो है। मिथुन राशि में चंद्रमा चल रहे ने, कृष्ण पक्ष चल रहा, योग सिद्धि है। तो नक्षत्र जो है मृगा नक्षत्र का चौथा चरण चल रहा है। तो शाम को 3:25 तो बाद आंध्रा नक्षत्र में चंद्रमा मिथुन राशि में ही चलते रहेंगे। इसी जी पंचांग से जो राहु काल का टाइम है वह रहेगा 10:30 बजे तो लेके 12 बजे तक। मुबारक जिन्हों का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह की करना चाहिए। देखो अज के शुभ दिन से तुहानू किसी की मदद तो जरूर करनी चाहिए, खास तौर पर अपन की। अगर उन्होंने किसी चीज़ की जरूरत है तो उन्होंने जरूरत को पूरा कर देना चाहिए है। तो लक्ष्मी को सही करने लई रंग बिरंगे फुल तुसी धार्मिक स्थान पर जरूर चढ़ा के आओ, तो माता पिता का आशीर्वाद लवो। सितारियों के हिसाब नाल तुहानू ग्रहों की सैटिंग दसांगे ते वास्तु के मुताबिक भी दस दईए कि अज किस चीज़ बारे जानकारी देवांगे। की हुंदा है कि कई बार साडा जो फेस है मकान का वह वैसट जां साउथ जां किसी भी साइड नूं रख्या जावे तां खिड़कियां किस साइड ते रखनियां चाहीदियां ते उसकी पॉजिटिविटी लैण लई उहनां नूं किस तरह असीं सही वास्तु कर सकदे हां। खिड़कियां जो कि सूरज चंद्र ते तुहाडे बच्चे जो ने प्रोग्रेस करते ने वास्तु के हिसाब नाल मन्निया जांदा है चीज़ नूं, ते उस दे लई तुहानू इंतजार करना पएगा। जानते हां आपां तुहाडे सितारे। सब तो पहला एरिस यानी मेष राशि वाले अंदाज का दिन किस तरह लंघेगा। देखो मंगल जो है तुहाडे लगन का मालिक है, तो जो चंद्र महाराज है वह तीसरे विराजमान है, वह भी राहु दे नाल चल रहे हैं। चंद्र राहु की युति दिमागी टेंशन दे दिंदी है। एक मन हो गया तो राहु एक छाया ग्रह है, तो मन के उत्ते छाया यानी नैगेटिव सोच तो सारिया राशियां अज बच के रहना चाहिए है, क्योंकि किसी भी तरह का नैगेटिव प्रभाव ज नकारात्मक सोच तुहानू डिप्रैशन विच पा सकती है। तो सर्कल वालों आले दुआले वालों धोखे वाले सितारे चल रहे हैं। अखां खोल के 10 बार सोच समझ के कोई डिसीजन लवोंगे ता ही तुहानू पॉजिटिविटी मिलेगी। आले दुआले पैसा लैन देन तो परहेज करना चाहिए है। टॉरस यानी ब्रिक राशि वाले दे धन का नुकसान पैसे का नुकसान हो सकता है, इसलिए कारोबारी तौर पर तुहानू इनवैसटमेंट थोड़ी करनी चाहिए है। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर विच किसी नू दिता हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। नाल ही जो तुहाडे गर्मी करके मूँह की प्रॉब्लम ज कुछ फिंसियां स्किन प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। कोशिश करनी है जी अज तुसी अपनी माता के पैरें हाथ लगा के ही काम करना है, तो केसर मत्थे ते जरूर लगा लेना है। जैमिनी यानी मिथुन राशि वालों का अज का दिन जी थोड़ी दिमागी परेशानी ज़्यादा रहेगी, अच्छ थोड़ी नैगेटिव सोच भी ज़्यादा रहेगी, तो डिसीजन लैण में थोड़ी घबराहट होगी, यानी कि तुम सॉलिड डिसीजन नहीं लै सकोगे अज के दिन। कोशिश करो कि अगर कुछ डिसीजन लैना भी है तो उस वड्डियां की सलाह या एक्सपर्ट बंदे की सलाह लै लवो, ता कि चंद्र ते राहु की जो युति है वह थोड़े लगन में चल रही है उसका कोई नैगेटिव प्रभाव ना पवे। कुछ अज तुसी एक होर उपाय करना है जी, घर तो ही मिश्री खा के जा दही खा के जाओगे तो दूसरे बैठा हुआ शुक्र ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कैंसर यानी कर्क राशि वाले का अज का दिन जी थोड़ी कलपाहट ता तुहानू भी रहेगी ही। देखो क्योंकि तुहाडे मन का कारक है चंद्रमा, तो तुहाडे लगन तुहाडी राशि तो किस स्थान पर विराजमान है, तो मन ने उधर नूं घूम घूम के चले ही जाना है, क्योंकि किसी भी तरह तुसी अपने मन नूं समझाओ पॉजिटिविटी दो फिर भी किसी ना किसी तरह ये ग्रह साडे ते अपना असर छड्ड ही जांदे ने। कोशिश करनी है जी तुसी कलपाहट तो बचना है, एवें ही नैगेटिव प्रभाव अपने अंदर नहीं पैण देना, नीचे बैठ के रोटी खानी है, तो धुआं अज घर च बिल्कुल भी नहीं करना। नाल ही तुसी अज थोड़े जिहा पानी दे विच दुध पा के इशनान करो जिस दे नाल चंद्र कायम अच्छा हो जाएगा, तो तुहानू रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएंगे। अपनी छोटी भैन की मदद जरूर करो, चाहे पढ़ाई विच ते चाहे उसकी वैसे भी मदद कर सकते हो। अगर तुसी बड़े हो जाओ मैरिड है तो उसनु कुछ ना कुछ खाण नू फ्रूट वगैरह दान कर सकते हो। लियो यानी सिंह राशि वालों का अज का दिन जी इनकम दे सोर्सेस लई कई बारी असी कुछ इदा दे रस्ते अपना लैंदे आ जिस दे विच सानू खतरा कुछ ज्यादा ही हुंदा है, इस करके गैर कानूनी काम तुहानू नहीं करना चाहिए, उलझ जाओगे तुसी
फस सकते हो, कोई तुहाडा नुकसान हो सकता है। बेशक तुहाडा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है सूरज लगन करके, पर चंद्रमा राहू नाल होण करके बांह विच दर्द रहना, उलझेवें जही रहने ते कोई भी किसी तरह का गैर कानूनी काम तुहानू कानूनी दौ पेच विच तुसी उलझ सकते हो। कहण दा मतलब एक तुसी होर उपा करना है जी जरूरी, एक तो लंबी यात्रा टाल ही दो तो चंगा, ते दूसरा तुसी नीले रंग तो अच परहेज करो, ते घर तो ही तुलसी दे पत्ते दा सेवन करके जाओ। वर्गो जनी कन्या राशि वालियां दा जी, सरकारी दरबारे कोई सरकारी चिट्ठी, सरकारी नोटिस, लोन वगैरह दी टेंशन, जां कोई भी तुसी लोन कराना चाहते हो, लंब करिया जां करा रहे हो जनी, कोई एदा दी सरकार वालों जिवें कोई सरकारी काम है तुहाडा होया सी जां फस गया जां कोई पेपर आ सकती है, तुहानू कोई चिट्ठी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। बेशक बुद्ध उच्च का लगन विच है तो चंगीआं प्लैनिंगां तुसी कर रहे हो, पर नाल ही सर्वाइकल जां वाधू दे उलझेवें काफ़ी देर तो तुहानू तंग कर रहे हैं, इस करके तुसी कोशिश करनी है जी इन्हां उलझेवियां तो अपने आप नू बचा के रखना है, कढ़ना है। तो किसी तरह का उलझेवा अगर ज़्यादा ही होवे तां तुसी पंछियों नू हरी मूंगी पाओ, बुद्ध अच्छा हो जाएगा, जिस नाल चंद्र ते राहू दी युति जो कि बुद्ध दे घर विच यानी मिथुन राशि विच विराजमान ने तुहाडा नुकसान नहीं करेगी। लिब्रा यानी तुला राशि वालियां दे जी, स्किन प्रॉब्लम खारस वगैरह तंग कर सकती है, चांदी की गोली अपने कोल रख लो, ते घर विच औरत भावें पत्नी के रूप में होवे भावें माँ के रूप में होवे, उन्हां नू किसी भी तरह नाल अपशब्द अज तुहानू नहीं बोलने चाहिए। वैसे भी काफ़ी देर तो तुहाडे काफ़ी क्लोजली रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो तुसीं इन्हां नू सही करन दे लई कोशिश करनी है, ना कि होर खराब करने ने, ते ज़्यादा इनवैसटमेंट भी नहीं करनी। कारोबारी तौर पर सितारे तुहाडे अच्छे नहीं चल रहे, कई वारी बहुत अच्छी मेहनत करन ते भी किस्मत दा साथ नहीं मिलता, ता कोई गल नहीं है, चंद्रमा ने जदों इत्थों निकल के कर्क राशि विच चले जाना ते सब कुछ सही हो जाना है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालियां दे जी, मन अपसैट डावाडोल स्थिति विच रहेगा, नेकियां दा मुल नहीं पै रहा, नैगेटिव प्रभाव पै रहा, जो कुछ नहीं है जिंदगी विच एदां दी सोच बनी रहेगी। मोबाइल तो दूरी बना के रखो, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करो मोबाइल जां लैपटॉप ते, ठीक है कि तुहाडा काम उहदे ते चल रहा, पर फिर भी जिन्नी ज़्यादा तुसी उस तो दूरी रखोगे जां टाइम टू टाइम जां लोड़ पैण ते ही वरतोंगे ता ही अच्छा, नहीं तो चंद्र राहू की युति तुहाडी निगाह तुहाडा दिमाग तुहाडी सोच काफ़ी कुछ प्रभावित कर देगी, ते नकारात्मक सोच के नाल असीं डिप्रैशन विच भी चले जाने, इस करके इस तो दूरी बननी है, नहीं तो नाड़ां दी प्रॉब्लम सर्वाइकल ते गर्दन दी ते मोढ़े दी प्रॉब्लम भी तंग करदी रहेगी तुहानू। सैजिटेरियस धनु राशि वालियां दा अज दा दिन जी वजिया जाएगा, इमोशनल तुसीं हो रहे हो ठीक है, पर इमोशनल हो के कदे भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम दे के रिश्तियां नू टाइम देना चाहिए, ते अपने जो तुसी काम कार करते हो कारोबार करते हो जां विदेश लई कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा टाइम दो अपने आप नू, तां ही डिसीजन लो तां कि चंगे रिजल्ट तुहानू मिल सकन, ठीक है। परमात्मा ते तुहाडा भरोसा बहुत है, धार्मिक तुसी बहुत हो रहे हो, लक्ष्मी का धुआं निकल रहा, पर फिर भी तुहाडे खर्चे कितों ना कितों पूरे हो रहे हैं, तो सरकारी नौकरी लई जां किसी काम दे लई किसी नू दित्ता होया पैसा तुहाडा फस जाएगा, मत्थे ते केसर जां दुध लगा लो। कैपरीकॉन मकर राशि वालियां दा अज दा दिन जी उलझेवें जिहे परेशानियां जिहियां इस चीज़ दियां ने कि साडे कोई काम नहीं आउंदा, की लैणा है किसी तों, कुछ इदां दी सोच बणी है, वाहन सुख मिलेगा तुहानू, नज़रां दे चक्कर तों बच के रहो, अपने भेत किसी नूं ना दो, नानके परिवार च कोई परेशानी जां नानके पक्ष तों कोई किसी तरह की न्यूज़ तुहाडे मन नूं अपसैट कर सकदी है। उपाय की करने जी, थोड़े जे महां दी दान लैके धार्मिक स्थान ते जां किसी गरीब नूं खास तौर ते मजदूर नूं दान कर सकदे हो। अक्यूरियस यानी कुंभ राशि वाले, खिज गुस्से करके घर का माहौल खराब हो सकता है, सोच सही रखो, खूब लिक्विड चीज़ों का पानी पियो, ते नाल ही तुसी अगर स्किन प्रॉब्लम तंग कर रही होवे तां थोड़ी ज्वार लैके गां नूं पा के आओ, दिन भी अच्छा जाएगा, पेट की ते दंदा की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, तो स्किन प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। पाइसिस यानी मीन राशि वालियां दा अज दा दिन जी परिवार विच माता दी सेहत खराब हो सकती है, धुआं बिल्कुल ना करो, साह दी प्रॉब्लम भी हो सकती है, साह दिया घुटना जां रेशा बलगम तुहानू तंग कर सकता है, जीभ ते शहद लगा लो, मंगल अच्छा हो जाएगा, कोल लाल रुमाल रख लो, मंगल दी सपोर्ट दे नाल बुद्ध नू सही करन दे लई तुसी गौशाला हरा चारा दे सकते हो, छोटे बच्चों नू खट्टियां टॉफियां दे सकते हो, जिस दे नाल बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ते काफ़ी हद तक तुहाडी जो सोच है वो पॉजिटिव, ते आले दुआले सर्कल दीआं प्रॉब्लमां भी सही हो जाणगीआं। ए सी जी तुहाडे सितारे मेष तों लैके मीन राशि विच बैठ के की प्रभाव पाउंदे ने।
देखो खिड़कियां आप हर घर विच रखते हैं, तो कई बार असीं साउथ फेस मकान दे विच साउथ वाली साइड नूं ही खिड़कियां रख लैंदे आ जिस साइड नूं साडे मेन गेट हुंदा है। कोशिश करनी चाहिए कि खिड़कियां हमेशा जो तुसी अंदर घर बना रहे हो भावें मेन गेट साउथ नूं होवे वैसट नूं होवे तां खिड़कियां हमेशा ईस्ट ते नॉर्थ नूं बनाउणियां चाहीदियां ने। अगर नॉर्थ वाली साइड ते कोई पहला तो घर बनिया होवे उन्हां दी काफी कंध होवे तां तुसी उसकी थोड़ी जगह छड्ड के अपने घर का जो रूम ने उस तरह बनाओ कि नॉर्थ वाली साइड जो धन की दिशा मनी जाती है ते नाल ईस्ट वाली साइड जो तुहाडी जिंदगी की तरक्की करती है। अगर तुसी ईस्ट ते नॉर्थ वाली साइड ते खिड़कियां बनाने हो तो उस दे नाल पॉजिटिविटी भी आउंदी रहिंदी है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है ते धन दा वहाव चंगा रहिंदा ते तुहाडी तरक्की भी हमेशा होंदी रहिंदी है। इस करके फेस किसी भी साइड नूं होवे तुहाडे मकान दा खिड़कियां हमेशा ईस्ट ते नॉर्थ नूं ज़्यादा बनाउणियां चाहीदियां ने ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਵਾਸਤੂ ਟਿਪ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।